कैसरगंज संसदीय सीट से भाजपा के युवा प्रत्याशी करण भूषण सिंह के पक्ष में तरबगंज में आयोजित जनसभा में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा, सपा व बसपा ने मिलकर जनता को निपटा दिया था, अब भाजपा नेता की सेवा कर आशीर्वाद ले रही। भाजपा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसे कार्यकर्ता की पार्टी है जिन्होंने दरिद्र नारायण की सेवा का संकल्प लिया। उन्होंने आगे कहा, करण भूषण सिंह युवा प्रत्याशी हैं, मेधावी हैं, भाजपा की आंधी चल रही है, इनकी जीत नरेंद्र मोदी की जीत। मोदी ने धारा 370 हटाया, राम मंदिर का निर्माण कराया, सभी को खाद्यान्न दिया, वंदे मातरम का नारा बुलंद किया। गोंडा से दैनिक भास्कर के लिए हरिनारायण शुक्ल की रिपोर्ट। जनता पार्टी में कार्यकर्ता का निर्माण होता है, वंशवाद का निर्माण नहीं होता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय हजारों कुंडी खटखटाए थे देश के अंदर, कहीं भोजन भी मिला नहीं, लैया चना कांग्रेसी स्कूटर पर आक्रमण कर देते थे, घुसने नहीं देते थे, किसी सेठ के यहाँ भोजन पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर लेते थे तो बिजली का तार एक विलोम एक कटवा देते थे और कोल्ड में सेठ का आलू सड़ जाता था, लेकिन अपना सर नहीं झुकाया। ढूंढते ढूंढते एक ऐसा कार्यकर्ता मिला, जब देश का प्रधानमंत्री बना तो किसी के सामने सर नहीं झुकाया, पोखरण विस्फोट किया, कारगिल युद्ध किया, हाईवे नेशनल हाईवे दिया और प्रधानमंत्री सड़क योजना ऐसी दिया, किसान क्रेडिट कार्ड दिया। लेकिन उसी सदन के अंदर सोनिया ने सांप्रदायिकता का आरोप लगाया देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी पर, सरकार गिरी और सदन के अंदर ही उसने कहा कि अटल जी निकम्मे भ्रष्ट हैं। अटल जी खड़े हुए जवाब देने के लिए, किस डिक्शनरी से आप लाई हैं शब्द, नेहरू से लेकर इंदिरा तक मेरा सम्मान किए हैं और मैं क्या भारत माता की जय बोलना सांप्रदायिक है, वंदे मातरम कहना सांप्रदायिक है, अपने को हिंदू कहना सांप्रदायिक है, राम मंदिर निर्माण की बात करना सांप्रदायिक है। एक चाय बेचने वाला जब देश का प्रधानमंत्री 10 साल बाद का, सोनिया ने 10 साल चलाया, 10 साल बाद जब सरकार बनी मित्रों, एक झटके में पूरा काम कर दिया, 370 धारा हटाया, मंदिर का निर्माण किया और राम मंत्री जी। अखिलेश जी की क्या बात करते हैं, अखिलेश जी कभी लोकप्रियता के आधार पर उत्तर प्रदेश में सरकार बनाए? एक बार बसपा को निपटाए तो किसी तरह मुख्यमंत्री बन गए, कमी सपा को निपटा देती तो बसपा, दोनों मिलकर जनता को निपटा दिए। पहली बार जनता जनार्दन का सेवा हो रहा है, सामाजिक राजनीतिक आर्थिक देश में प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, राज्य के अंदर आदरणीय योगी जी, जिस प्रकार जनता के मुसहर बंटांगिया थारू के बच्चे दरोगा बन सकते थे, आज दरोगा बन रहे हैं, नौकरी पा रहे हैं, सिपाही में भर्ती हो रही है, आज उनका पक्का मकान बन रहा है, 3-3 करोड़ पक्का मकान बन चुका है, 4-4 करोड़, 3 करोड़ पक्का मकान बनाना है, आज हाईवे नेशनल हाईवे खोल लें, अपना गैस कनेक्शन, अपना बिजली का कनेक्शन, अपना प्रधानमंत्री आवास 5 लाख का, संकल्प पत्र में हम बोलते हैं वो एक एक गरीब का काम करते हैं, और जो भी संकल्प पत्र में नहीं रहता है, देश के हित में जो भी निर्णय आता है, जो आप सबका सुझाव होता है वो भी हम निर्णय लेते हैं, लेकिन आदरणीय मोदी जो ही निर्णय लेते हैं जो गरीब के हित में और राष्ट्र के हित में। आज तिरंगा झंडा फहर रहा है श्रीनगर चौक पर, किसका दिन है? आपका दिन है, जब कमल पर कल आज जब कमल खिलेगा और 400 पार होंगे।